हेलो स्टूडेंट, एसपीए क्या चैनल के माध्यम से आपको लगातार वीडियो के माध्यम से आपको इंप्लीमेंटेशन स्किल्स में बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। एक चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर इंग्लिश ग्रामर में हम चल रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, अब आगे कुछ क्वेश्चन चलते हुए इंग्लिश के बारे में आपको बताएंगे, टेंस के बारे में बताएंगे। टेंस के बिना आप इंग्लिश को नहीं जान पाएंगे। टेंस को इसलिए ग्रामर में जानना बेहद जरूरी है क्योंकि हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी या किसी सेंटेंस को समझने के लिए टेंस की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए आज हम टेंस के बारे में, टेंस मतलब होता क्या है, टेंस मतलब होता है काल, हिंदी में इसको हम कहते हैं काल। और काल क्या है, काल जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल में करते हैं, तो इसी शब्द को हम इसी काल से ही लेकर उठाकर बोलते हैं, लिखते हैं, तो उनको कैसे इंग्लिश में हम उसको ट्रांसलेट करेंगे उसके लिए आप टेंस पढ़ेंगे। टेंस में बताया जाएगा कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो टेंस में जनरली आपको वर्तमान काल के लिए प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल करते हैं। वर्तमान काल यानी इस समय चल रहा है उसको हम वर्तमान काल करते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, इसको हम भूतकाल करते हैं। भूतकाल यानी बीता हुआ, जो बीत गया है उसको हम भूतकाल करते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल। भविष्य क्या यानी जो आने वाला था, जैसा कि हमने हिंदी में पढ़ा उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब इन सभी चीजों को 66 डिवाइड करके बनाया गया है, उसके अनुसार जो है सिस्टमैटिक ढंग से बताया गया है। जैसे हम वर्तमान काल लिखेंगे, पहला इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस, चौथा है इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस, यस। ऐसे ही आपका पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से फ्यूचर में भी आपका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर टेंस होगा। और इसी आप इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, इसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं।
इसको सिंपल रख रिजेक्ट टेस्ट करते हैं। सिंपल रिजेक्ट एडिटिव टेंस में हम बात करेंगे, सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य की बात करेंगे। पहले तो इसकी करते हैं प्रेजेंट एडिटिव की पहचान क्या है, पहचान क्योंकि हम कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट एडिटिव टेंस का ये वाक्य है। सबसे पहले ध्यान देंगे हिंदी वाक्य, हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आने को उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान है जैसे वह पढ़ता है, वह खाता है, वह जाता है, ता है, ती है, हिंदी वाक्य के अंत में आता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ये इसकी पहचान है। अब बात आती है कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट का नियम क्या है। रूल्स में नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सब्जेक्ट प्लस, और इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि एक वचन बहुवचन सिंगुलर नंबर सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता के साथ यानी सिंगुलर नंबर के साथ मेन वर्ब जो होता है मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट नाम ही लिखते हैं, उसमें कुछ ही नहीं लिखते हैं। इसमें नियम है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, इसमें ध्यान दीजिएगा इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसको हम सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब कर्ता के अनुसार इसमें लिखेंगे, कर्ता के अनुसार यस या यस का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसके नियम है सिंपल सेंटेंस के। नेगेटिव सेंटेंस में जिसको हम नकारात्मक वाक कहते हैं उसके लिए आप नेगेटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे, जैसे ही सी मान लीजिए एक वचन है, एक वचन ही सी ईट नेम के साथ डज का प्रयोग करेंगे। और बहुवचन यू वी दे किसी के साथ यू का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसका जो बनता है उसको हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब डू या डज कर्ता के अनुसार जैसा कि हमने पहले बताया है प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखते रहे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम,
जैसे वह पढ़ता है तो सिंपल एकदम है ता आया है, तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे ही। और पहले हमने बताया है कि एक वचन करता है साथ जो यस या यस लगाते हैं ही आपका एक वचन करता है जैसा कि हमने बताया है। तो ही रीड्स, ही रीड्स बस अपना है ये आपका ट्रांसलेट होगा। अगर उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं वह नहीं पढ़ता है तो he does not read, अब यहाँ पर read हो जाएगा, does not read, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम आपको नेगेटिव के बारे में बताएंगे और बड़े विस्तार से वीडियो बनाएंगे।